सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपको स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स सेक्स सेल्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है। सेक्स सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार के सेक्स सेल्स होते हैं। फर्स्ट है मेल सेक्स सेल्स एंड सेकंड इज फीमेल सेक्स सेल्स। एक होता है मेल सेक्स सेल्स और दूसरा होता है फीमेल सेक्स सेल्स विच कम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स, अ मेल एंड फीमेल, जो दो अलग अलग पेरेंट एक मेल और एक फीमेल से आते हैं। The sex cells are commonly known as gametes. Sex cells को हम लोग gametes भी कहते हैं। Thus, the sex cell involved in sexual reproduction are called gametes. इसलिए जो sexual reproduction में जो cells भाग लेता है वो क्या होता है, वह sex cells होता है और उसका नाम क्या है, gametes। Gametes are of two types. Gametes दो प्रकार के होते हैं। First है आपका male gametes and second है female gametes. In sexual reproduction, a male gamete fuses with a female gamete to form a new cell called zygote. Sexual reproduction में क्या होता है कि आपका male gamete जो है, आपका male gamete female gamete के साथ फ्यूज करके आपको प्रोड्यूस करता है क्या, zygote। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने से बनता है जाइगोट। दिस जाइगोट देन ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और यही जाइगोट जो है फिर ग्रो करके डेवलप कर जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। सेक्स सेल्स और गैमेट्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड जर्म सेल्स। तो सेक्स सेल्स को हम लोग जर्म सेल्स भी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि सेक्स सेल्स का दूसरा नाम, सेकंड नेम क्या है, गैमेट्स, और इसका नाम क्या है, जर्म सेल्स। और इस गैमेट्स को कितने भाग में बांट दिया गया है, दो भाग में। मेल में जो उपस्थित होता है उसे कहते हैं मेल गैमेट्स और जो फीमेल में उपस्थित हो उसे कहते हैं क्या, फीमेल में प्रोड्यूस होता है कौन सा गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स या कहिए फीमेल जर्म सेल्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जर्म सेल्स। फर्स्ट हो गया हमारा मेल जर्म सेल्स, मेल गैमेट्स, एंड सेकंड हो गया फीमेल जर्म सेल्स, फीमेल गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स and the seeds are enclosed in a fruit are called angiosperms. अब angiosperms किसे कहते हैं, सबसे पहला तो सवाल यह हुआ। तो वो प्लांट्स जिसमें कि फ्लावर्स हों और फ्लावर्स के अंदर आपका सेक्स ऑर्गन्स होते हों। तो सेक्स ऑर्गन्स किसके द्वारा कैरिड किए जाते हैं, फ्लावर्स के द्वारा, और जिसमें सीड्स होते हैं जो कि फ्रूट के अंदर हों। सीड्स आर इनक्लोज इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कैरिड विद इन द फ्लावर्स एंड द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। दिस मीन्स दैट टू सेक्सेज male and female are involved in reproduction in flowering plants. The sex organs or reproductive organs of a plant are in its flowers. In most of the plants, the same flower contains the male organ as well as the female organ. अधिकांश जो plants होते हैं उसके एक ही flower में दोनों organ होते हैं, male और female दोनों होते हैं। इसे दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि द मेजॉरिटी ऑफ प्लांट आर बाइसेक्सुअल हैविंग द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द सेम प्लांट और सेम फ्लावर। या यूं कह सकते हैं कि अधिकांश प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि उनके फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स मौजूद होते हैं। The function of a flower is to make male and female gametes and to ensure that fertilization will take place to make new seeds for the reproduction of plant. फ्लावर का फंक्शन यही है कि उसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट मौजूद हो रहे और फर्टिलाइजेशन वहाँ हो और नया सीड्स प्रोड्यूस हो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट के द्वारा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स में मोस्ट कॉमन मेथड जो रिप्रोडक्शन का है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए फ्लावर मेक्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स नीड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. और एक फ्लावर के पास दोनों चीज होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है. The sexual reproduction in plants take place in the following steps. Number 1, the male organ of flower called stamen. फ्लावर के मेल ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं. मेक्स द मेल गैमेट्स, और यही स्टेमेन जो है मेल गैमेट्स बनाते हैं, या कहिए मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के फ्लावर में स्टेमेन पाए जाते हैं और वही स्टेमेन जो है आपको मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. दीज मेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन पॉलन ग्रेन्स, और ये जो मेल गैमेट्स जो होता है वो स्टेमेन के पॉलन ग्रेन्स में मौजूद होता है. सेकंड, द फीमेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड कार्पेल, और फीमेल ऑर्गन को कहते हैं कार्पेल. फ्लावर का फीमेल ऑर्गन क्या होता है? कार्पेल होता है. मेक्स द फीमेल गैमेट्स फीमेल सेक्स सेल्स, और यह जो कार्पेल जो है फीमेल ऑर्गन है और ये बनाता क्या है? फीमेल गैमेट्स बनाता है ऑफ द प्लांट, प्लांट का. दीज फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन ओव्यूल्स, और ये जो फीमेल गैमेट्स है जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट होता है, एंड द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड ओवा, एग सेल्स और जस्ट एग्स. और फीमेल गैमेट्स जो प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स में उसे हम लोग आल्सो कहते हैं ओवा, नहीं तो एग सेल्स या जस्ट हम लोग उसे एग्स कहते हैं. The male gametes present in pollen grains fertilize the female gametes और egg cells present in the ovules. Male gametes जो होता है वो आपको pollen grains में मौजूद होता है, जो कि आपको female gametes के साथ fertilize करता है, जो कि female gametes को हम लोग also कहते हैं क्या? egg cells. Female gametes का second name क्या है? egg cells, या female gametes को also हम लोग कहते हैं ova, जो कि मौजूद होता है कहाँ? ओव्यूल में. फीमेल गैमेट्स मौजूद होता है ओव्यूल में. द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो विद इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड्स, और जो फर्टिलाइज्ड एग सेल्स होता है, सेल्स जब फर्टिलाइज कर जाता है मेल गैमेट्स के साथ, तो फिर वो फर्टिलाइज कहाँ करता है? ओव्यूल्स में फर्टिलाइज करता है, ओव्यूल्स में, और फिर वो ओव्यूल्स बन जाता है आपका सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन. द सीड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, और वह सीड जो है न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ वार्मथ वाटर, वार्मथ एयर एंड लाइट इटीसी. और इस प्रकार से हमारे को प्लांट्स के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. अब इस पूरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसे हम लोग पूरी विस्तृत रूप से अब देखेंगे.